हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देव स्टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। इनकी जो लेटेस्ट नोटिस आई है वो है 7 सितंबर 2022। इसमें आप देख सकते हो अहमदाबाद बेंच ऑन 5 सितंबर 2022 एंड द हियरिंग हैज नाउ बीन शेड्यूल्ड ऑन 26 सितंबर 2022। तो 5 सितंबर के बाद इनकी जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है वो होने वाली है 26 सितंबर 2022 को। तो 26 सितंबर तक हमको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कंपनी फिर से एक बार रिलिस्ट हो जाए या डीलिस्ट हो जाए या शेयर धारकों को जो पेमेंट है वो फिर से रिफंड हो जाए। वहीं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी में सेल्स आप देख सकते हो 887 करोड़ को हुआ था, जो मार्च के मुकाबले कम होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं एक्सपेंसेस जो है 852 करोड़ के है। तो कंपनी रनिंग कंडीशन में है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बंद हो गई है तो कंपनी भी बंद हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो रहा है, तो कंपनी रनिंग कंडीशन में है। आने वाले दिनों में मुकेश अंबानी जो है इसको रिलीज भी कर सकते हैं या फिर डीलिस्ट भी कर सकते हैं या फिर नए नाम से भी कंपनी आ सकती है। इसके पूरे पूरे चांसेस है कि कंपनी एक बार रिलीज हो सकती है, क्योंकि कंपनी में जो प्रॉफिट एंड लॉस भी हो रहा है, कंपनी का टर्नओवर भी हो रहा है। कंपनी में जो है 21 मार्च के बाद ट्रेडिंग बंद कर दी गई थी और इसकी जो अनाउंसमेंट है खुद सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ने ही की थी। आप देख सकते हो रील और एसीआरई के ऑफर को स्वीकार कर लिया था सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ने। इसके साथ ही सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की जो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया है वो 21 मार्च को ही शुरू हो गई थी। कंपनी एक बार फिर से रिलीज भी हो सकती है क्योंकि इसके अनगिनत एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल राज रहन इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो, ये किसी जमाने में 20 पैसे को ट्रेड करता था और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 13.20 रुपीज है। इसने हाई किया था 21.80 रुपीज का। अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो चार्ट के माध्यम से, ये देखिए 2008 से लेकर 2021 तक ये जो कंपनी है मात्र 30 पैसे और 60 पैसे के बीच में ट्रेड कर रही थी और इसने हाई अभी रिसेंटली किया है 21 रुपीज का। और सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो वो है 3i इन्फोटेक का। ये भी शेयर डीलिस्ट हो गया था, इसके बाद ये फिर से रिलिस्टिंग कर दिया गया और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो है 52.60 रुपीज का। तो शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो कंपनी फिर से एक बार रिलीज हो सकती है। ये कंपनी जब भी रिलिस्टिंग होगी आप एक भी शेयर मत बेचना दोस्तों, इसका टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए। इससे यही पता चलता है दोस्तों कि हमको कभी भी कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, उसके बाद रिजर्व कितना है और कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, ये सारी चीजें की जानकारी हमको लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी भी शेयर में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहीं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इसके ऊपर जो डेप्ट है वो 6,670 करोड़ का है और रिजर्व की बात की जाए तो ओनली 1,244 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी अपना जो डेप्ट है किसी भी सिचुएशन में पे नहीं कर सकती है, ये क्लियर कट नजर आ रहा है। वही इसके छोटे भाई की बात की जाए तो आप देख सकते हो सिंटेक्स प्लास्टिक की भी सेम स्टोरी है दोस्तों। आप देख सकते हो सिंटेक्स प्लास्टिक का जो डेप्ट है वो है 2,498 करोड़ का और रिजर्व टोटली माइनस में है। प्रोमोटर होल्डिंग 12.2% है, तो प्रोमोटर होल्डिंग भी 12% की है, रिजर्व -10.6 करोड़ के है और डेप्ट आप देख सकते हो 2,498 करोड़ के है। तो कंपनी अपना जो डेप्ट है वो पे नहीं कर सकती है, तो सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से आप दूरी बना के रखिए। वहीं सिंटेक्स प्लास्टिक की क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हो सेल हुआ 272 करोड़ का, वही एक्सपेंसेस है 277 करोड़ के। तो एक्सपेंसेस सेल से भी ज्यादा है और प्रॉफिट की बात की जाए तो -34 करोड़ के प्रॉफिट है। तो कंपनी जो है फंडामेंटली वीक है। सिंटेक्स प्लास्टिक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं तो यही कहूंगा कि इस कंपनी से दूरी बना के रखिए, कहीं ये सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के जैसे दिवालिया ना घोषित कर दी जाए और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जीरो ना हो जाए। और रही बात सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की, तो हमको जो है 26 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कंपनी में कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाए, कंपनी फिर से एक बार रिलीज हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।